गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश्वसरिया आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजू कुमार, आज हम लोग कॉमन हैंड टूल्स के बारे पढ़ेंगे। कॉमन हैंड टूल्स में हैमर के बारे पढ़ेंगे। हैमर क्या है, हैमर कौन कौन मेटल का बना रहता है, हैमर का उपयोग क्या है और पार्ट्स ऑफ हैमर, इन सभी के बारे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हैमर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कॉमन हैंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन हैंड टूल्स में पहला पॉइंट है मेरा हैमर, जिसको हिंदी में हथौड़ा कहा जाता है। कॉमन टूल्स में क्या है आता है, हैमर, जिसको हिंदी में हथौड़ा कहा जाता है। तो हथौड़ा के बारे आज हम लोग जानेंगे कि हथौड़ा क्या है, दैट मीन्स हैमर के बारे में जानेंगे कि हैमर क्या है। तो आप लोग को यहाँ दिखाया जाता है हैमर यानी हथौड़ा एक सामान्य हस्त औजार है जिसके द्वारा ठोकने पीटने का कार्य किया जाता है, ठीक है, यानी स्ट्राइकिंग टूल है। स्ट्राइकिंग मतलब होता है ठोकना और पीटना। तो ये ठोकने पीटने का कार्य कहाँ, कार्यशाला में किया जाता है, जैसे वर्कशॉप हो गया या फिर आपका जाके बहुत सारा फैक्ट्री हो गया या जनरल वर्क के लिए भी हम लोग ठोकने पीटने का कार्य किया जाता है। हैमर क्या है, एक सामान्य हस्त औजार है जिसके द्वारा किसी भी पार्ट्स, जैसे कि आप शीट मेटल वर्क, फोर्जिंग, ठीक है, बेंडिंग, रिवेटिंग इत्यादि कार्यों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ठोकने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ ठोकने पीटने के जो कार्य किया जाता है शीट मेटल वर्क में, फोर्जिंग में, बेंडिंग में, रिवेटिंग में इत्यादि चीज़ों में हम लोग ठोक पीट को सेट करते हैं, बेंड करते हैं या फिर रिवेट करते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, यह हैमर का उपयोग हुआ। तो इस प्रकार हम लोग जान लिए कि हैमर एक सामान्य हस्त औजार है जिसके द्वारा किसी बने हुए पार्ट्स या बेंडिंग या फोर्जिंग के पार्ट्स को ठोकने पीटने का कार्य किया जाता है। ये कॉमन हैंड टूल्स के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग मेटल ऑफ हैमर के बारे जानेंगे। हैमर जो है कौन कौन मेटल का बना रहता है, क्योंकि हैमर का जो मटेरियल रहता है उसका उपयोग के अनुसार उसको बांटा गया है। क्योंकि हैमर का जो मटेरियल है, जो क्या होता है, कभी हार्ड मेटल का बना रहता है, कभी सॉफ्ट मेटल का बना रहता है, कभी प्लास्टिक का बना रहता है, कभी नायलॉन का बना रहता है। तो इस प्रकार जो मटेरियल है उसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका उपयोग के अनुसार इसको बांटा गया है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि जनरल वर्क जो वर्कशॉप में काम होता है, ठीक है, वर्कशॉप में जो हार्ड वर्क के लिए जो काम होता है उसमें दो मेटल का उपयोग किया जाता है। पहला होता है कास्ट स्टील, ठीक है, एक नंबर में आता है आपका कास्ट स्टील का हैमर बनाया जाता है, ठीक है, वर्कशॉप में। दूसरा नंबर वर्कशॉप में उपयोग होने वाला जो होता है वो आपका होता है कार्बन स्टील। क्या होता है, कार्बन स्टील, ठीक है। ये दो मेटल जो होता है आपको हार्ड वर्क के लिए, कठोर पदार्थों में ठोकने पीटने का कार्य करने के लिए दो प्रकार मेटल से बने हैमर का उपयोग किया जाता है। एक कास्ट स्टील, दूसरा कार्बन स्टील। ये दो मेटेरियल से बने हैमर का उपयोग किया जाता है हार्ड वर्क में, दैट मीन्स आपका वर्कशॉप में, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ शीट मेटल वर्क के लिए कुछ हैमर को बांटा गया। शीट मेटल वर्क के लिए, ठीक है। तो शीट मेटल वर्क तो हम लोग जान रहे हैं कि शीट मेटल वर्क बहुत पतला होता है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं जितना भी आप देखेंगे बक्सा फैब्रिकेशन का काम होता है, बक्सा बनता है या फिर ड्रम बनता है इत्यादि चीज़ जो आता है आपका शीट मेटल वर्क में आता है। तो वो चीज़ को बनाने के लिए क्या होता है कि वो पतला चदरा रहता है, उसको क्या करें, हार्ड मेटल से यदि उसको ठोकेंगे पीटेंगे तो हैमर अपना आकृति ग्रहण कर लेगा और उसको सही रूप से बनने नहीं देगा, वो पूरा बर्बाद करके छोड़ देगा। तो ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे, हार्ड मेटल का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ सॉफ्ट मेटल से बने हैमर का प्रयोग करेंगे। तो सॉफ्ट मेटल के अंतर्गत आता है आपका जाके आपका प्लास्टिक से बना हैमर, ठीक है, या फिर आपका वुड के बना हैमर, ठीक है, या नायलॉन के बना हैमर, और भी बहुत सारा हैमर रहता है इस प्रकार का, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, आपका चमड़ा से भी बना आपका हैमर आता है, जिसको हम लोग अब इंग्लिश में हिंदी में चमड़ा कहते हैं, ठीक है, चमड़ा से, जिसको हम लेदर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस प्रकार जो हैमर रहता है ये बहुत सॉफ्ट टाइप से हैमर होता है और ये हैमर क्या करता है, किसी भी पार्ट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो बहुत आसानी से हम लोग उसके द्वारा कार्य को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि इस पर यदि कोई इस हैमर
ये सारा प्लास्टिक हैमर, वुड हैमर, नायलॉन हैमर, चमड़ा हैमर से यदि उस किसी पदार्थ को ठोकेंगे पीटेंगे तो क्या करेगा, बहुत आसानी से क्या करेगा, उसमें दाग नहींगा और बहुत आसानी से वो उसको मोड़ देगा और साफ़ सुथरा फिनिशिंग दिखाई देगा, ख़राब उसमें नहीं होगा। तो जिस कारण से कि क्या है कि हम लोग सॉफ्ट हैमर के, सॉफ्ट हैमर यानी प्लास्टिक हैमर, वुड हैमर, नायलॉन हैमर का उपयोग किया जाता है शीट मेटल वर्क में। तो याद रखिएगा शीट मेटल वर्क में कौन सा हैमर का उपयोग किया जाता है, तो अब सॉफ्ट हैमर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है प्लास्टिक से बना हैमर, वुड से बना हैमर, नायलॉन से बना हैमर, ये चमड़ा का हैमर इत्यादि आप देख रहे हैं, ये सारा सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है। और हार्ड हैमर में हमारा आ गया कास्ट स्टील से बना हैमर और कार्बन स्टील से बना हैमर। इस प्रकार मेटल के बारे में हम लोग जाने कि कैसे होता है और कौन कौन मेटल से बना रहता है। ठीक है, हम लोग पार्ट्स ऑफ हैमर के बारे जानेंगे। देखिए ये हैमर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कितने पार्ट्स एक हैमर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा दर्शाया गया है इस फिगर के माध्यम से। तो आप पहले आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये हैंडल से, ये हैंडल जो आपको दिख रहा है, ये हैंडल आपका हैमर के आई होल में लगा रहता है। हैमर कहाँ लगा रहता है, हैंडल हैमर के आई होल, इसको आँख की तरफ जो दिख रहा होल है इसको कहा जाता है आई होल, यहाँ पर लिखे आई होल। तो हैंडल हैमर के किस भाग में फिट होता है, हैंडल हैमर के आई होल में फिट होता है। ठीक है, हैंडल जो रहता है लकड़ी का भी बना रहेगा और आपको मेटल का भी बना रहेगा, दो चीज रहेगा। हैंडल किसका बना रह सकता है, लकड़ी का भी बना मिलेगा आपको, मेटल का भी बना मिल सकता है। ठीक है, तो हैंडल का ये मटेरियल हो गया, हैंडल कहाँ फिट होता है, हैमर के आई होल में। ठीक है, हैमर के आई होल। दूसरा पॉइंट आप यहीं से देखेंगे तो ये देखिए आपका यह जो मुड़ा हुआ भाग है, ये मुड़ा हुआ भाग के ये कॉर्नर जो यहाँ पर रहता है इसको कहा जाता है नेक, ये गर्दन, ये नेक के बराबर है। मेरा नेक क्या है, गर्दन, एक प्रकार का ये गर्दन है, यानी ये मेरा नेक है। जस्ट नेक की जब आगे बढ़िएगा जहाँ पर ठोकने पीटने कार्य किया जाता है इसको फेस कहा जाता है। इस फेस पर हम लोग क्या कहते हैं, ठोकने पीटने का कार्य करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेस। इसको ये भाग को हम लोग फेस कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी रहता है उसको हेड कहा जाता है। ये दूरी आप देख लीजिए, हेड, यहाँ से यहाँ तक के जो ये दूरी है इसको हेड कहा जाता है। और ये देखिए गोलाइया भाग और ये हेड वाला भाग, बीच में जो है नेक जैसा बन रहा है इसी को नेक कहा जाता है, ये पॉइंट को नेक कहा जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हेड कहा जाता है और जहाँ से ठोकने पीटने काज किया जाता है उसको हम लोग फेस कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस एरो के माध्यम से आप देख रहे हैं ये जो अंडाकार जो दिख रहा से इसी को आई होल कहा जाता है, जो यहाँ दर्शाया गया है आई होल। फिर आपको घूमते हैं तो देखिए यहाँ पर एक वेज दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर वेज लिखा है, तो वेज मतलब होता है एक प्रकार का पाचर जो हैमर और हैंडल को टाइट करने। देखिए वेज ये हो गया हैमर और हैंडल कहाँ फिट आई होल में, तो दोनों के बीच में इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा है, एक वेज लगाए। देखिए हैमर और हैंडल के बीच में क्या लगाए, पाचर लगाए, जिसको हम लोग वेज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों को टाइट करने में सहयोग करता है, इसी को वेज कहा जाता है। और दूसरा बात आपको चिक चिक मतलब गाल फेस की बात कर रहा है, ये आपको देख रहा है फेस की बात कर रहा है, चिक का बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चिक का बात कर रहा है, इसको फेस चिक मतलब गाल, एक प्रकार का गाल हम लोग होता है जो ऊपरी वाला भाग को चिक कहा जाता है। अब देखिए ये राउंड शेप वाला भाग आप देख रहे होंगे, इसको पेन कहा जाता है, एक गोला एक जहाँ रिवेट को ठोकने पीटने कार्य होता है या सीट मेटल में जहाँ ठोकने पीटने कार्य किया जाता है वहाँ पर आपका ज़्यादातर पेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिवेटिंग में सबसे ज़्यादा पेन वाला भाग को ठोकने पीटने में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठोकने पीटने का कार्य किया जाता है। तो इस बात का हम लोग पार्ट्स के बारे जाने कि क्या है, हैमर का पार्ट जाने, ये हैंडल हो गया जो वुड और मेटल का बना रहेगा, फिर जस्ट यहाँ पर आता है तो ये नेक हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक दूरी को हेड कहते हैं जहाँ पर ठोकने पीटने कार्य किया जाता है उसको फेस कहते हैं, फिर ये मेरा आई होल है जहाँ पर हैंडल फिट रहता है और हैंडल और हैमर को टाइट रखने के लिए वेज दिया जाता है जिसको पाचर कहते हैं, फिर ये ऊपरी वाला फेस को हम लोग कहते हैं चीक यानी गाल की बात कर रहे हैं। और ये देखिए आपको पेन दिख रहा है जहाँ पर ज़्यादातर रिवेटिंग कार्य के लिए ये इस भाग में ये पेन वाला भाग को ठोकने पीटने कार्य कहते हैं, क्योंकि रिवेटिंग आप देखे होंगे क्योंकि वो गोल शेप में है तो उसको ठोक पीट के प्रॉपर बैठाया जाता है, तो बैठाने के लिए आपको ये आपको पेन वाला भाग ही प्रॉपर बैठा पाएगा। जब हेड मारेंगे तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ये एरिया प्रॉपर आपको रिवेट को ठोक नहीं पाता है। ये देखिए ये पॉइंट पर ठीक ठोकेगा तो ये प्रॉपर रिवेट प्रॉपर बैठ जाएगा, और यहाँ पर पड़ेंगे तो पूरा सतह टच करेगा, जिस कारण से ये रिवेटिंग के लिए ये हेड फेस प्रयोग नहीं करके पेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग जाने पार्ट्स ऑफ हैमर। आप देखिए इसके माध्यम से हम लोग भी जानते हैं, देखिए ये मेरा पर हैमर है जिसको ये भाग जो दिख रहा है ये क्या है, हैंडल।
ये लकड़ी का बना हुआ हैंडल है, और जो हैंडल जो फिट है कहाँ पर फिट है, आई होल में। हम क्या बोले कि हैंडल को हैमर के आई होल में फिट किया जाता है। तो देखिए ये आई आकार का होल है जो आँख जैसा दिख रहा है, ये इसी में फिट है। और हैंडल और हैमर को टाइट करने के लिए एक वेज की आवश्यकता होता है। देखिए यहाँ पर वेज है, तो वेज के माध्यम से इसको टाइट किए हुए हैं, किसको, हैमर और हैंडल को। तो अब यहाँ से देखें कि ये दूरी की बात कर रहे थे हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात कर रहे थे। देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हेड कहा जाता है। और ये भाग आपको जो दिख रहा है, इस भाग जो गोल आकार का दिख रहा है, फ्लैट टाइप से जो दिख रहा है, इसको फेस कहा जाता है। इस फेस के माध्यम से भारी भरकम चीज़ों को ठोकने पीटने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे हेड, अब जस्ट ये कॉर्नर आपको दिख रहा है नेक जैसा, इसी को नेक कहा जाता है। और देखिए ये वाला भाग, इसको पोस्ट भी कहा जाता है एक प्रकार की। ये जो ऊपर वाला हैंडल है ना, यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा है, यहाँ पर देखिए आप, ये भाग को पोस्ट कहा जाता है, ठीक है। इस भाग को यहीं पर आपका एक पोस्ट रहता है, इसको पोस्ट रहता है। और पोस्ट को हमेशा याद रखना है, कभी भी हार्ड नहीं किया जाता, पोस्ट को हमेशा नर्म रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हैंडल को फिट किया जाता है। यदि पोस्ट को हार्ड कर देंगे तो ये क्या कह रहा है, झटका को सहन नहीं कर पाएगा और हैमर दो टुकड़ा में टूट जाएगा, जिस कारण से इसको कभी भी पोस्ट को हार्ड नहीं किया जाता, उसको नर्म रखा जाता। बाद बाकी फेस को ये देख रहे, ठोकने पीटने वाला फेस को हार्ड किया जाता है, ठीक है। ठोकने पर ये आपका बोल है, अब ये साइड देखिए बोल है, ये देखिए कैसा दिख रहा है, बोल जैसा, यानी गेंद जैसा गोल दिख रहा है, जिस कारण से इसको बोल कहा जाता है। और इस हैमर का नाम इसी के नाम पर पड़ा है, बॉल पिन हैमर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बॉल पिन हैमर के बारे। तो ये देखिए इसका उपयोग ज़्यादा रिबेटिंग में किया जाता है, क्योंकि रिबेट जो होता है इस प्रकार का होता है ना, रिबेट इस प्रकार का होता है, रिबेट इस प्रकार का, ठीक है। तो रिबेट के जो ये कॉर्नर छोटा सा भाग रहता है, हेड कितना रहता है, बहुत छोटा सा भाग रहता है। हेड को इसको ठोकने के लिए इससे ठोकेंगे तो ये प्रॉपर क्या करेगा, बहुत बड़ा एरिया में, इतना बड़ा एरिया को ले लेगा और ये पूरा इतना बड़ा एरिया को बर्बाद कर सकता है। तो ऐसा नहीं, यदि हम पेन के से ठोकेंगे तो बस जितना बड़ा एरिया हमें ये दिख रहा है, उतनी बड़ा एरिया को हम ठोक पाएंगे और प्रॉपर वो क्या बोला, रिबेटिंग हो जाएगा। दो पार्ट्स को बहुत आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। रिबेटिंग मतलब होता है दो पार्ट्स को जोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैमर। इस प्रकार हम लोग फिगर के माध्यम से भी देखें और हम लोग क्या देखें आपके, और आपको हैमर को भी प्रॉपर हम लोग देखें, ये सारा पार्ट्स, हैंडल देख लिए, बोल देख लिए, ये पोस्ट देख लिए जिसी में आई होल बना रहता है, इसी में चीक रहता है, ठीक है। इसके ऊपर वाला भाग को चीक कहा जाता, पूरा ये भाग को देखकर पोस्ट कहा जाता है, लेकिन सफर ऊपरी सतह को चीक कहा जाता है। ये आपको देख रहा है चीक, उसके बाद ये पूरा हेड कहा जाता है, ये फेस कहा जाता है, यहाँ पर वेज लगा हुआ। इस प्रकार सारा पार्ट्स के बारे हम लोग जाने हैमर का, ठीक है।